जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तो मिल सके। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है सोरसे कातला। इस फिश का नाम कातला माछ है, और आज मैं इस फिश को सरसों के साथ बनाने जा रही हूँ। सरसों को बंगाली में सोरसे कहा जाता है। तो पहले इस फिश को मैंने अच्छे तरीके से धो के इसमें थोड़ा सा हल्दी, नमक और नींबू का रस ऐड किया है। नींबू का रस मैं इसलिए ऐड करती हूँ जिससे कि फिश में जो एक बैड स्मेल होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसलिए नींबू का रस में जो है यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करके 15 मिनट के लिए रख दीजिए। देखिएगा फिश में बिल्कुल भी एक स्मेल जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये मैं अब पहले फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। सरसों के तेल में ये जो फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा सा आता है, इसलिए यहाँ पर मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। जब तक फिश फ्राई होता है तब तक मैं मसाले बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून सफ़ेद सरसों जो होता है वो ऐड करूँगी, और 1/2 टीस्पून काला सरसों जो होता है वो ऐड करूँगी। सरसों जो है उसका मात्रा थोड़ा कम रखना होता है, नहीं तो कड़वा हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि सरसों का पेस्ट जब हम बनाते हैं तो वो कड़वा हो जाता है पकने के बाद। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि जब आप सरसों का पेस्ट बनाते हो तो उसमें थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा ऐड किया है, और 1/2 इंच मैंने यहाँ पर अदरक इस्तेमाल किए हैं, और कुछ हरी मिर्च। मिर्च जो है वो आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पर ऐड कीजिएगा। अगर आप तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हो तो उस हिसाब से आप यहाँ पर हरी मिर्च जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो फिश जो है वो तब तक फ्राई हो चुका है जब तक मैंने मसाला बना लिया था। अब मैं उसी ऑयल में, जिस ऑयल में मैंने फ़िश को फ्राई किया है उस ऑयल में मैं 1/2 टीस्पून से भी कम सरसों जो है वो इसमें ऐड करूँगी। काला सरसों उसमें मैं ऐड करूँगी, और 1 सूखी लाल मिर्च ऐड करूँगी। यहाँ पर देखिए ये पेस्ट जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये पेस्ट जो है वो मैं तेल में इसमें ऐड कर दूँगी, और बहुत ज़्यादा हमको भूनना नहीं है। सरसों का पेस्ट हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इससे भी कड़वा हो जाता है काफ़ी बार। इसलिए हम बिल्कुल थोड़ा सा इसको चलाएंगे, एकदम लो फ्लेम में हमें रखना है, और लो फ्लेम में रख के हम इसको बढ़िया तरीके से थोड़ा सा भून लेंगे। जस्ट 30 सेकेंड के लिए सोचिए आप इसको थोड़ा सा भून लीजिए। भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा मसाले ऐड करेंगे। मसालों में सिर्फ नमक स्वाद अनुसार और हल्दी, ये 1/2 टीस्पून आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। करने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ये जो रेसिपी है बहुत ही यमी बनती है, और बहुत ही झटपट और जल्दी बन के रेडी हो जाती है। अगर आपको कभी भी लगे कि हमें बहुत जल्दी कुकिंग करना है तो ये रेसिपी जो है वो बहुत ही बेस्ट होता है। तो अब मैं ये यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ। जिस मिक्सर ग्राइंडर में जिसमें मैंने ग्राइंड किया था मसाले को, वो उसमें थोड़ा बहुत लगा होता है ना, उसी में मैं पानी ऐड करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है, जिससे कि वो जो मसाले लगे हुए हैं वो भी चला जाता है और पानी भी चला जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी यही जो पानी है वो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये जो रेसिपी है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, पतला बिल्कुल नहीं होता है। ये थोड़ा गाढ़ा अच्छा लगता है खाने में, और इसमें तेल जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है हमको। तो जैसे इसमें एक उबाल आ जाए, बस थोड़े से टाइम के लिए आप एक से डेढ़ मिनट के लिए रखिए, तो इसमें थोड़ा से उबाल आ जाएंगे। जाने के उबाल आने के बाद जो फिश को हमने फ्राई करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो हमको क्या करना है, एकदम फ्लेम को लो करके 5 से 6 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। बस आप 5 से 6 मिनट इसको ढक के रखिए, ये बिल्कुल पक के रेडी हो जाएगा। क्योंकि फिश जो है वो फ्राई होने के बाद थोड़ा कड़ा हो जाता है, और जब हम ढक के इसको पकाएंगे तो ये फिश जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, जिसे खाने में बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा। और यहाँ पर मैं हरी मिर्च जो है वो 20 से स्लाइस करके चीरा लगा लिया है मैंने हरी मिर्च में, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जस्ट ऐड करके ही हमको ढक के 1 मिनट के लिए इसको पकाना है, जिससे कि हरी मिर्च का जो एक फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। इसलिए मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए ही रखूँगी, फिर मैं इसका गैस जो है वो ऑफ़ कर दूँगी। ये जो फिश है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है।
इसे आप चावल के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया सा एक टेस्ट देगा ये। तो चलिए, ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आज का वीडियो बस यही तक, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी, तब